वित्तीय संकट से जूझ रही टूर ऑपरेटर कंपनी कॉक्स एंड किंग्स ने कोलकाता में अपना दफ्तर बंद करीब 2000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। दुनिया की जानी मानी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी कॉक्स एंड किंग्स पर भारत में धोखाधड़ी और हेराफेरी का मामला सामने आया है। कंपनी ने करीब 75 लोगों से 40 करोड़ रुपए विदेश यात्रा के नाम पर जमा करवाए और उसके बाद कंपनी ने ना तो विदेश यात्रा कराई और ना ही बुकिंग रकम वापस की। फिलहाल कंपनी ने कोलकाता में अपने 6 ऑफिस बंद कर बिना कोई नोटिस दिए करीब 2000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने ईमेल करके अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की जानकारी दी। आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही कॉक्स एंड किंग्स कंपनी ने अपने कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।